नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आप हमारा चैनल द पब्लिश देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम मनवाल से पिंगला माता की तरफ दर्शन के लिए जा रहे थे और रास्ते में जब रुका तो यहाँ पर एक बोर्ड देखा हमने, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत की, पंचायत राज की तरफ से। आपको बता दें, ब्लॉक ये मजालता पड़ता है और पंचायत चैनी शायद, यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है। और आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम पिंगर टू लेडी बार नंबर एक, ये कार्य जो हुआ है वो कार्य की तस्वीरें भी कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं। ये मेन रोड से जो रोड एक निकली हुई है, ये एक छोटे से गांव की तरफ ये रोड जा रही है। फिलहाल अभी रोड कच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी बाइक या फिर कोई घोड़ा खच्चर यहाँ से जा सकता है और ट्रैक्टर रोड यहाँ पर निकाली गई है। बात करेंगे अगर बड़े कामों की तो कितने बड़े काम यहाँ पर किए गए हैं और छोटे मोटे काम जो है वो लगातार इन पंचायतों में लगातार किए जा रहे हैं। और आप ये चलते चलते मैं आपको ये रोड भी दिखाऊंगा जो ट्रैक्टर रोड एक यहाँ के डीडीसी द्वारा, जिनका नाम अमित शर्मा है, उनके द्वारा ये रोड का जो कार्य जो है वो किया गया। इस कार्य को लेकर हम उनकी सराहना भी करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन हम आपको कुछ रोड की तस्वीरें, जो पिंगला माता देवी की जो रोड की तस्वीरें हैं जो सीधी यहाँ से मनवाल से जब आप माता रानी के दर्शन के लिए निकलते हैं तो रोड काफी सुंदर यहाँ पर प्रशासन द्वारा बनाई गई है। हालांकि इसका पूरा अंदाजा नहीं है कि कब ये कितने पैसों से इस रोड का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ, कितनी लागत इस रोड पे आई थी, लेकिन रोड जो है वो बहुत ही सुंदर रोड है। पहले यहाँ पर जो यात्री दर्शन के लिए आते थे मनवाल से, काफी समय लगता था, अगर माना जाए तो पूरा दिन उनका निकल जाता था। लेकिन अब उसी सफर को प्रशासन द्वारा कम करके बहुत एक समय का जो घाटा है वो कर दिया गया है और कम समय में यहाँ पर जो यात्री हैं वो दर्शन करके अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तस्वीरों में आप सीधा देख रहे होंगे ये जो रोड हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कितनी शानदार ये रोड जो है पिंगला माता की तरफ से बनाई गई है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमने यहाँ के जो DDC है अमित शर्मा, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर उनसे हमारी मुलाकात होती है। कॉन्टैक्ट नंबर हमें उनका मिला है, हमने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और उन्होंने हमें समय दिया है। वो फिलहाल वो मनवाल में है, वहीं पर जाके उनसे बात करेंगे कि किस तरह का कार्य जो है वो इस ब्लॉक में या फिर इस जो मजाता तहसील के अंतर्गत कितने कार्य जो हैं वो इस रोड को छोड़ के भी कितने कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। तो आइए सीधा बात करते हैं, हम यहाँ के DDC मेंबर अमित शर्मा की बात की थी अमित शर्मा जी की, लेकिन सीधा इन्हीं से मुलाकात हो चुकी है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने माँ पिंगला देवी के जो रास्ता वहां से निकला, उस रास्ते में एक हमने बोर्ड देखा था जहां पे इनका नाम था, तो सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि मैं काफी सालों के बाद इस रास्ते से गया। जब पिछले सालों में यहां पे जाता था काफी समय लग जाता था, लेकिन आज मेरा बिल्कुल कम समय लगा। अमित जी, आपका स्वागत है। हमारा सीधा प्रश्न ये है कि कुछ साल पहले जब मैं पिंगला देवी मंदिर में गया था तो वहां पर जाने के लिए काफी समय लग जाता था, लेकिन जो आज रास्ता हमने देखा, हम कुछ तस्वीरें भी सभी दर्शकों को दिखाएंगे अपनी वीडियो में, लेकिन इस रास्ते के बारे में आप हमें कुछ बताएं। ऐसा है कि पहले ये रास्ता काफ़ी देर से निकला हुआ था और कच्चा था, लेकिन कुछ हद तक यहाँ तारकोल भी डली हुई थी। लेकिन जब मेरे बनने के बाद हमने प्रयास किया और हमने ये प्रयास किया कि ये रास्ता बिल्कुल अच्छा बने और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम नौजवानों को रोजगार देने के तरफ से ये जो रास्ता था इसका बनना बड़ा ज़रूरी था। तो आपने जैसे आज देखा ही होगा कि बिल्कुल उसको नए सिरे से पूरे यहाँ इसको तारकोल डली हुई है और अब स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी लेकर आप सीधा ऊपर दरबार जा सकते हैं और चढ़ाई जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहां से लगभग 15 मिनट का रास्ता है वो प्लेन है और वो भी इसलिए बंद है क्योंकि थोड़ी सी गरिमा जो है वो स्थान की बनी रहनी चाहिए, थोड़ा सा पैदल रास्ता होना चाहिए ताकि आदमी की श्रद्धा जो है वो बनी रहे। और किस तरह के आगे भी जो कार्य आपके तहसील के अंदर, मजाता तहसील के अंतर्गत शायद आपका ये एरिया पड़ता है, किस तरह के कार्य जो है वो अभी इस पूरी तहसील में हो रहे हैं? ऐसा है कि लगभग 2 साल का कार्यकाल हमें बने हुए हुआ है और उस कार्यकाल के अंदर अभी 5 नवाड़ की जो है वो सड़कें हमने लाई हैं। ऐसी जगहें जहां कोई अगर बीमार हो जाता था तो उसको चारपाई पर उठाकर लोग लेकर आते थे और बरसात में तो हालत ये रहती थी कि लोग घर से कपड़े पहनकर नहीं आते थे, उनको अपने कंधे पर उठाकर आते थे और बाहर फिर जब उस कच्चे रास्ते से बाहर आते थे फिर वहां आकर कपड़े पहनते थे। लेकिन अगर आप आज उन मेरे ब्लॉक के मजालता ब्लॉक के अंदर चक्कर लगाओगे, आप देखोगे तो आज आपको दिखेगा कि 5 जो सड़कें, ऐसी सड़कें जो सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं,
खूबसूरत सड़कें जो है वो बनी हुई है। अभी मार्च शुरू है और मई में उन सभी सड़कों पर तारकोल डलेगी। एक प्रयास हमारा रहा है कि बिजली, पानी और सड़क, तो सड़क इसके अलावा जहां अभी हम खड़े हैं ये सड़क है हमारी, यहां से ये प्यूनी तक जाती है। अभी 6.5 करोड़ पिछले दिनों इसकी सेंक्शन अपग्रेडेशन के लिए लेकर आए हैं हम। यहां से इसको पूरा टाइल वर्क करेंगे, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है इसलिए नाली की व्यवस्था नहीं है, टाइल वर्क करेंगे और इसके आगे तारकोल की पूरी व्यवस्था की हुई है ताकि ये भी एक ऑप्शन लोगों को मिले। इसके अलावा 16 हैंड पंप जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। और एडिशनल मैं आपको बताऊं, जल जीवन मिशन के तहत हमारी स्कीम्स जो है अभी थलोड़ा, देवीबनी थलोड़ा, सतरेड़ी, जनसाल है, बरनाड़ा है, नीली है, इसके अलावा बट्टल है, सुमाल है, मानसन है, 14 पंचायतें हमारी जो है वो सारी की सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च हो गई हैं। ठेकेदार उन पर काम कर रहे हैं और जो सपना मोदी जी ने पूरे देश के लिए देखा था कि हर घर में नल होगा और नल में जल होगा, उस सपने को साकार करने के लिए हम सभी साथी जो हमारे सरपंच हैं, हमारे पंच हैं और बींगे DDC हमारा प्रयास है कि हम समय रहते इस सपने को पूरा करें, हर घर में पानी लेकर आए। अगर मैं बिजली की बात करूं तो हमारे यहाँ एक ग्रिड है, 2012 में वो ग्रिड बनकर तैयार था। हमारी बिजली जो है वो झज्जर कोटली से आती थी और जब थोड़ा बहुत तूफान चलता था तो वो बिजली बंद हो जाती थी, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, हफ्ता हफ्ता बिजली बंद रहती थी। लेकिन मेरे बनने के बाद हमने आते ही 4 महीनों के अंदर ये मनवाल में जो ग्रिड स्टेशन है वो चलाया और आज आप जनता के बीच में जाकर पूछे तो बिजली लोकल कार से जा सकती होगी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि मनवाल में ग्रिड स्टेशन की वजह से बिजली गई होगी। उसमें भी हमने उसको इंप्रूव करने का प्रयास किया है। पिछले साल हमने जो है वो 9 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए थे, यहाँ लो वोल्टेज की समस्या थी और कुछ नए जो सब स्टेशन है वो तैयार किए थे और इस साल 7 जो है वो यूटी कपेक्स में मैं लेकर आया हूँ, 1 मेरे अपने कपेक्स से है और 5 हमारे PMDP में है, जिसमें से 2 इंस्टॉल हुए हैं, 3 और इंस्टॉल होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 22 ट्रांसफार्मर मेरे 2 साल के कार्यकाल में हमने लगाए हैं और अभी तीसरा हमारा प्लान बना है। इसके अलावा छोटी गलियां हैं, नालियां हैं, किसी का डंगा है, वो अलग से एडिशनल काम है, वो मैं इधर नहीं गिना रहा हूँ। लेकिन जो काम गिनाते गिनाते अगर देखा जाए तो पूरा समय मेरा यही बीत जाएगा आपके साथ, क्योंकि किस तरह के कार्य आपने किए हैं वो आप हमें तो बता ही रहे हैं, लगभग काफी सारे कार्य जो अमित शर्मा जी ने हमें बताए। फिलहाल हमारे साथ है DDC मेंबर अमित शर्मा जी से, इन्होंने बताया कि किस तरह के कार्य मज्जाता ब्लॉक में किए जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के ये कार्य जो है मज्जाता ब्लॉक के लिए लेके आएंगे। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा और मुझे जानी अरुण शर्मा को दे इजाजत, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार, जय माता दी।